ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी लिखते हैं कि भक्ति स्वाभाविक है, सब आत्मा है, शरीर नहीं है। और आध्यात्मिक जीवन का मतलब श्री कृष्ण की सेवा करना, इसलिए श्री कृष्ण भक्ति सबके लिए स्वाभाविक है। तो इसमें एक प्रश्न हो सकता है कि अगर भक्ति सबके लिए स्वाभाविक है तो किस लिए हम स्वाभाविक रूप से नहीं करते, किस लिए हमें श्री कृष्ण की चरण सेवा को भूल किया है। तो वही प्रश्न है और उसका उत्तर है श्रीमद् भागवत में, जो श्री रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में प्रतिपन्न किया। नूनं प्रमथा कृते विकर्म यद् इन्द्रिय प्रीत्य आप्नोति न साधु मन्ये यत आत्मनोऽयम् असन् अपि क्लेशद आसदेह। नूनं, ये शब्द का मतलब अवश्य ही है। प्रमथा, प्रमथा का मतलब पागल। इसका मतलब है कि सब जो जड़ संसार में है सब पागल है, सभी पागल। तो कैसे है सब पागल है, कैसे? यही है कि सब कुरुते विकर्म, सब विकर्म करते। कर्म का मतलब कर्म, कर्म करना। लेकिन एक दृष्टि से कर्म का मतलब पुण्य कर्म, और पाप कर्म का मतलब विकर्म, मतलब जो कर्म, वो कर्म जो वैदिक विधि के विरुद्ध है, विरुद्ध कर्म, वो विकर्म कहलाते हैं। विकर्म का मतलब पाप कर्म, जैसे कि व्यसन करना और उसके बाद गर्भपात और झूठ बोलना इत्यादि। पाप सब जानते हैं पाप क्या है। पाप कर्म करना से क्या होते हैं, यद इंद्रिय प्रीतिय आप्नोति, सब पाप करते हैं किस लिए, इंद्रिय प्रीति, इंद्रिय सुख के लिए। लेकिन उसका फल क्या होता है, न साधु मान्य यत आत्मनोयम असन अपि क्लेशद आसदेह। ये विकर्म, पाप कर्म करने से ये फल होगा कि पुनरापि जननम, आप पुनर जन्म करेंगे। पाप कर्म करने से वो पाप का फल भोग करना पड़ेगा। पाप फल भोग करने कैसे, किस प्रकार है, क्लेशद, वो क्लेश शब्द कष्ट। तो पाप कर्म करने से सब कष्ट मिलते हैं। इसलिए ऋषभदेव जो इस श्लोक बोले श्रीमद् भागवत पंचम स्कंध में, कहते हैं कि न साधु मन ये, मेरे विचार में ये अच्छा नहीं है, पाप कर्म करना, पुण्य कर्म करना, श्री कृष्ण भक्ति नहीं करना, वो सब प्रमथा, पागल ही है। तो हम श्री कृष्ण भक्ति नहीं करते क्योंकि हम भोग विलास कर चाहते। जैसे कि गीता में श्री कृष्ण कहते हैं आसुरिक प्रवृत्ति क्या है, ईश्वर हम भोगी सिद्ध हो हम बलवान सुखी, मैं ईश्वर हूँ। सब ऐसे ही सोचते, मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं जगत का केंद्र हूँ, ईश्वर हम अहम भोगी, और सब कुछ जो जगत में है सभी वास्तव मेरा भोग के लिए है। ईश्वर हम अहम भोगी सिद्ध हो हम, मैं सिद्ध हूँ, सब कुछ जो मैं करता हूँ वो अच्छा है, वो सिद्ध है। सिद्ध हो हम बलवान, मैं बलवान हूँ, कोई मुझको रुकना नहीं दे सकते, रुक नहीं दे सकते। बलवान सुखी, मैं सुखी हूँ, मेरा कोई मुश्किल नहीं है। तो ये असुरिक प्रवृत्ति है और ये पागलाता है।
ईश्वराहम, सब सोचते मैं भगवान हूँ, मैं प्राय भगवान हूँ, तो इसलिए सब पागल है। कुत्ते भी सोचते हैं कि सब कुछ जो जगत में है मेरा भोग करने के लिए, तो वो मायाबद्ध जीवा की प्रवृत्ति है। तो अभी सब वैसे पागल है, सब सोचते हैं सब कुछ जो है मेरे लिए है, लेकिन वास्तव में सब कुछ जो जगत में है सब भगवान की सृष्टि है। इसलिए जो पागल नहीं है, जो भक्त लोग हैं, जानते हैं कि सब कुछ जो सृष्टि में है भगवान को अर्पण करने के लिए है, यही सब वास्तव का अच्छी तरह प्रयोग है। जैसे कि कभी कभी लोग हमसे पूछते हैं कि आपका इस्कान हरे कृष्ण संघ में, तो आप कैसे साधु हैं, आप बहुत पैसा का कलेक्शन करते हैं और सब आधुनिक फैसिलिटीज़ है आपके पास, जैसे कि हम अभी फिल्मिंग शूटिंग करते हैं और ये हमारे सामने कैमरा है, उसका दाम 5 लाख, इतना महंगा चीज़, तो हम साधु है तो कैसे ऐसे चीज़ प्रयोग करते अगर साधु हो? क्योंकि हम जानते हैं कि सब कुछ जो दुनिया में है सब कुछ भगवान की है, इसलिए सब कुछ भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। जी हाँ, हमारे पास काफ़ी गाड़ी है, मारुति का इत्यादि, तो इसलिए कई कई हमको ईर्ष्या करते हैं, तो किस लिए साधु कार में जाते हैं? तो हम कार में जाते हैं, लेकिन हम कार में किस लिए इधर उधर जाते हैं? हम सिनेमा नहीं जाते, हम चौपाटी नहीं जानते वो भोग विलास करने के लिए, हम लोगों के पास जाते कृष्ण कथा सुनाने के लिए, हम गांव गांव टाउन टाउन में जाते हैं कृष्ण नाम प्रचार करने के लिए, भगवद गीता परिवेशन करने के लिए, हम प्लेन में भी जाते हैं, मैं 2 दिन के बाद रशिया जाऊँगा, तो किस लिए? अभी शीतकाल है, किस लिए हम ठंडी में रशिया जाते हैं? इसलिए कृष्ण नाम प्रचार करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत आग्रही भक्तों हैं कृष्ण कथा सुनने के लिए, जैसे कि आप आग्रही है तो सुबह आप टीवी पर कृष्ण कथा देखते सुनते, तो रशिया में भी और पूरे दुनिया में भी अभी चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, श्रील प्रभुपाद की कृपा से अभी बहुत विश्ववासी आग्रही है श्री कृष्ण कथा सुनने के लिए। तो हम प्लेन से जाते हैं, कार से जाते हैं, महंगा चीज़ों इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारी यही भावना है कि सब कुछ जो है श्री कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम प्लेन से जाते हैं खाली दुनिया को देखने के लिए, पर्यटन वैसे नहीं है, हम टूरिस्ट नहीं है, हम चाहते हैं सब कुछ श्री कृष्ण की सेवा में लगाना और सब लोग सब विश्ववासियों श्री कृष्ण की सेवा में डालना, तो इसलिए हम सब चीज़ों इस्तेमाल करते हैं। तो वो जीवन जीवन की असली भावना है, वैसे ही समझना चाहिए। जब तक हम सोचते हैं कि सब कुछ मेरे लिए है, सब पैसा मुझको दो, मैं मालिक होऊंगा, मैं भगवान होऊंगा, तो तब तक हम पागल हैं। तो भक्ति साधना का शुरू कैसे है? जब हम समझते हैं कि मैं बहुत ही छोटा हूँ और श्री कृष्ण महान है, मैं माया से भ्रमित हूँ, अभी मैं श्री कृष्ण की भक्ति कर चाहता हूँ, इसलिए साधना करना चाहिए। तो इसलिए साधना करना चाहिए, वो स्वाभाविक है, कृष्ण भक्ति वो सबका अधिकार है, लेकिन वो सबके लिए स्वाभाविक है, लेकिन हमें भूल गया है, इसलिए वो साधना
जैसे चिकित्सा है, और जब हम बिल्कुल इलाज जाएगा तो तभी भी हम कृष्ण भक्ति करेंगे। जब हम तबीयत आध्यात्मिक तबीयत ठीक है तभी भी हम कृष्ण भक्ति करेंगे। तो जब हम पूरी कृष्ण भक्ति मिलेगी तो वो सब विधि निषेध वो सब पालन करने का कोई जरूरत नहीं होगा। जैसे कि मरीज तो जब बीमार हो तो डॉक्टर जो बोलते हैं तो मरीज का सब पालन करना चाहिए। ऐसा खाओ, ये चीज खाओ, चपाती खाओ, चावल मत खाओ, और ठंडा पानी मत खाओ, मत पियो। तो जब तक वो मरीज बीमार हो तो तब तक वो डॉक्टर वो सब जो बोलते हैं उसका ग्रहण करना चाहिए। लेकिन जब उसका स्वास्थ्य ठीक हो जाते तब से जैसे ही अच्छा वैसे ही कर सकते। जैसे ही अच्छा नहीं है, अगर वो बियर ज़्यादा पीते तो सिगरेट पीते और फिर बीमार हो जाएगा। तो इस प्रकार जो भक्ति साधना करते हैं तो डॉक्टर मतलब गुरु गुरु के सब निर्देश पालन करना चाहिए। लेकिन जब उसका आध्यात्मिक तबीयत ठीक हो जाएगा तब से वो सब नियम पालन का कोई जरूरत नहीं होगा। मतलब गुरु बोलते हैं तो कम से कम 16 माला जप, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, तुम 16 माला जप, कम से कम 16 माला जप करो। लेकिन जब एक भक्त एकदम शुद्ध हो जाते, जब उसका आध्यात्मिक स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है तो उसलिए उसको कम से कम इतना माला जाप करना उसको बताने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि स्वाभाविक रूप से वो कृष्ण नाम सदैव उनका जीवा में नाचेंगे, सदैव उनका मुंह से वो हरे कृष्ण वो शब्द आएगा। तो अभी हम कुछ नियम पालन करते हैं, लेकिन वो सब नियम पालन करने से वो स्वाभाविक कृष्ण भक्ति अपने आप से आएगा। इसलिए साधना करना चाहिए। तो साधना किस लिए करना चाहिए, उसका उद्देश्य क्या है, उसका लक्ष्य क्या है? जैसे कि श्री कृष्ण अर्जुन को बोले गीता में, गीता का अंत में श्री कृष्ण अर्जुन को बोले मन मना भव मद भक्तो श्रीनो में परमं वचा। श्री कृष्ण अर्जुन को बोले कि अभी मैं पूरी भगवद गीता बोल, अभी मेरा परम वचन सुनो। वो क्या है? मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्करो माम ए वैश्यसी कौन थे माम ए वैश्यसी सत्यं थे प्रतिजाने प्रियोसी में। श्री कृष्ण अर्जुन को बोले शुनु में परमं वचा, मेरा परम वचन यही है मन मना सदैव मुझको चिंतन करो, भव मद भक्तो मद भक्त हो, मद्याजी मेरी उपासना करो, मांग नमस्करो मुझको नमस्कार अर्पण करो, मामे वैशिषी सत्यं थे मैं सच बोलता हूँ कि तुम अगर इस प्रकार भक्तिमय जीवन व्यतीत करोगे तो तुम अवश्य ही मेरे पास वापस आओगे। तो ये साधना का यही मतलब है। मन जो अभी बहुत चंचल है, मन श्री कृष्ण के चरणों में निर्दिष्ट करना, स्थापन करना। जैसे कि शास्त्र में भी है स्मर्तव्य सततं विष्णुर विस्मर्तव्य न जातु चित सर्व विधि निषेधस्य एतय एव किंकरः। स्मर्तव्य सततं विष्णु, सदैव विष्णु का स्मरण करना चाहिए। विस्मर्तव्य न जातु चित,
और श्री कृष्ण का विस्मरण भूल करना कभी नहीं होना चाहिए। सर्व विधि निषेधस्य, शास्त्र में बहुत विधि है और निषेध है। विधि का मतलब यही करना चाहिए, हरे कृष्ण नाम बोलो, मंगल आरती जाओ इत्यादि, और निषेध यही मत करो, मांस मत खाओ, शराब मत पियो, तो यही करना चाहिए, यही नहीं करना चाहिए। तो सर्व विधि निषेधस्य एतय एव किंकरः, वो सब नियम जो है भक्ति करने के, वो सब शास्त्र में सभी भी नियम जो है सब ये दो नियम के किंकर है, मतलब ये दो नियम सबसे महत्वपूर्ण है, ये सभी शास्त्र नियम का सार है कि सदैव भगवान विष्णु कृष्ण का स्मरण करना चाहिए और कभी भी उनको भूलना मत। तो अगर सदैव भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करना है तो अवश्य ही है, तो श्री कृष्ण का भूलना तो संभव नहीं होगा। तो मतलब एक नियम है श्री कृष्ण का स्मरण करना, लेकिन उसको जोर देने के लिए वापस कहना है श्री कृष्ण का स्मरण करो और उनका विस्मरण कभी नहीं करो। तो सदैव श्री कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। तो कैसे करना है, इस कल युग में नाम जाप के द्वारा, नाम कीर्तन के द्वारा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर हम सदैव हरे कृष्ण नाम जपते हैं तो अपने आप से भगवान का स्मरण मन में आएगा, और जब रुचि आते तो हम हरे कृष्ण ना कहने से एक क्षण में नहीं रह सकते, तो वो रुचि स्वाभाविक है। तो ऐसे है जो इस भक्ति साधना जप साधना करते हैं, तो ऐसे होते हैं कि स्वप्न में भी जप करते हैं, पूजा करते हैं। तो कृष्ण प्रेम वैसे है, हरे कृष्ण महामंत्र ए तो स्वभाव, जे जापे तार कृष्णे उपजाय भाव। वो कृष्ण नाम जापना का स्वाभाविक फल है कि जो हरे कृष्ण मंत्र जप करते हैं तो श्री कृष्ण के लिए वो भाव आते हैं, ये प्रेम भाव आते हैं। तो जप करने के साथ विधि भी पालन करना चाहिए, क्योंकि भक्ति की प्राथमिक अवस्था में हम हरे कृष्ण जप करते हैं, लेकिन मन का विपरीत स्वभाव वो भी चलते हैं, मतलब मन अति चंचल है, तो हम हरे कृष्ण जप करते हैं, लेकिन अगर हम नाम को पूरा ध्यान नहीं देते तो मन पूरा जगत में उड़ते हैं, हम मुँह से हरे कृष्ण जपते हैं लेकिन मन एकदम दूसरा जगह जाते हैं। तो इसलिए नाम करने का समय एकदम ध्यान से जप करना चाहिए, वो एक प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि वो जप एक प्रकार ध्यान है, मन वैसे है, इसलिए प्रयास करना चाहिए। ये साधना का मतलब है, साधना का मतलब अभ्यास करना, और वो अभ्यास क्या, वो श्री कृष्ण के चरणांग में स्थिर करना। तो अभ्यास, हरे कृष्ण नाम कहो और सुनो। जब करने का समय क्या करना चाहिए, बहुत नवीन भक्त हमसे पूछते हैं कि क्या हम क्या श्री भगवान का रूप मन में कल्पना करेंगे, नहीं, खाली नाम जपो और सुनो, क्योंकि वो नाम श्री कृष्ण है, नाम रूप में श्री कृष्ण। तो आपका नाम बहुत नाम है, देवेश, अजय, अजित, ऐसा नाम है, तो वो आपका नाम है, लेकिन आप व्यक्ति है, वो नाम से अलग है,
आपका पिता माता कोई दूसरा नाम भी आपको दे सकते थे, लेकिन अभी आपका नाम वैसे ही है, अजित, अजय, संजय, लेकिन श्री कृष्ण का नाम वैसे ही नहीं है। श्री कृष्ण नाम श्री कृष्ण से अभिन्न है। जब हम कृष्ण कृष्ण कहते हैं तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण उपस्थित होते हैं नाम रूप में, क्योंकि श्री कृष्ण का नाम, श्री कृष्ण का रूप, श्री कृष्ण स्वयं अभिन्न है, सब एक ही है। इसलिए नाम पर नाम जपना परम पवित्र साधना है, क्योंकि जब हम हरे कृष्ण नाम उच्चारण करते हैं तो भगवान स्वयं उपस्थित है। लेकिन हम इतना मूर्ख है, हम नहीं समझते, हम हरे कृष्ण जप करते, लेकिन हम इतना भाग्यवान है, नहीं सोचते, इतना भाग्यवान है कि श्री कृष्ण इतना दयालु है कि हमें अपने आप को अर्पण करते हैं। श्री कृष्ण नाम रूप में उपस्थित होते हैं, तो अगर हम प्रेम से श्री कृष्ण नाम जपते हैं तो श्री कृष्ण हम समझ सकते हैं कि श्री कृष्ण स्वयं प्रकट है हमारे उपस्थिति में। तो अभी हम वो प्रेम स्तर तक नहीं पहुँचा, इसलिए साधना करना चाहिए। और साधना से धीरे धीरे क्या होते हैं, साक्षात्कार होते हैं कि ये नाम जो मैं जप करता हूँ वो नाम, ये नाम से कृष्ण भज निष्ठा करे, निष्ठा से वो भक्ति करना चाहिए। फिर जब हम पूरी श्रद्धा से हरे कृष्ण जप करते हैं तब हम साक्षात्कार करते हैं कि ये नाम स्वयं कृष्ण है। फिर प्रेम भावना और पूरी रुचि आपन से आती है। हरे कृष्णा।